हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है हमारे सामने ऑल न्यू हुंडई वेन्यू SX मॉडल, पेट्रोल वेरिएंट है और कुछ इस प्रकार का इसका फ्रंट प्रोफाइल है। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट फेस की, तो यहाँ पे हुंडई का लोगो और साथ में कुछ क्रोम की इंसर्ट देखने को मिलती है, फुली क्रोम की इंसर्ट। और इस साइड कॉर्नर लैंप के साथ साथ प्रोजेक्टर हेड लैंप और इस साइड DRL टर्न इंडिकेटर पार्किंग लैंप वगैरह, बड़ी सी एक प्रोजेक्टर हेड लैंप मिलती है। और यहाँ पे कोई भी हाउजिंग या फॉग लैंप का कोई भी स्पेस नहीं है। हल्की सी ग्लोसी ब्लैक की फिनिशिंग की साइड देखने को मिलती है और या वाइट कलर में एक स्ट्रिप दी हुई है और नीचे सिल्वर कलर में प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक। और कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल हैलोजिन, इसमें टर्न इंडिकेटर मिलता है और ये इसका कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। 360 डिग्री कैमरे का कोई भी ऑप्शन इस गाड़ी में नहीं मिलता। और बड़ी सी विंडशील्ड दी हुई है जिसमें आप वाइपर वॉशर भी देख सकते हो। बॉडी कलर में और ब्लैक में ORVM मिलते हैं। ऊपर रूफ रेल साथ में सनरूफ शार्फिन एंटीना के साथ, वो वन बाई वन हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में फेंडर पे कहीं पे भी टर्न इंडिकेटर नहीं है, टर्न इंडिकेटर ORVM पे दिया हुआ है। और टायर सेक्शन की बात करें तो 95x65 R15 का एक स्टील व्हील मिलता है, साथ में व्हील कैप। और फ्रंट में मिलता है इसके डिस्क और रियर में मिलता है ड्रम ब्रेक। तो कंप्लीट साइड प्रोफाइल इस प्रकार की, और ए पिलर ग्लॉसी ब्लैक में, बी पिलर मैट ब्लैक में, और सी पिलर है जो बॉडी कलर में ORVM पे, बॉटम साइड ब्लैक और अप साइड बॉडी कलर में, यह टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है। और ये कंप्लीट साइड सेक्शन, और इस साइड ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी हुई है और हल्का हल्का यहाँ डिजाइन भी आप देख सकते हो। और जो डोर हैंडल है वो भी बॉडी कलर में, रूफ रेप और सनरूफ सनसेट के साथ भी आप देख सकते हो। मिनी SUV में काफ़ी पॉपुलर हुई है हुंडई वेन्यू, और इसका सीधा सीधा कॉम्पिटेटर मार्केट में टाटा की नेक्सॉन और ग्रैंड विटारा, ब्रेजा जैसी गाड़ियों के साथ इसका मुकाबला हो रहा है। SX मॉडल है तो इसमें पेट्रोल वेरिएंट मिलता है, और ये यहाँ पे पेट्रोल की बैजिंग के साथ फ्यूल टैंक, जो कि 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक मिलता है। कंप्लीट साइड सेक्शन के बाद अब हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन के। रियर सेक्शन में सबसे पहले शार्फिन एंटीना, और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप। वाइपर का कोई ऑप्शन नहीं है, डिफॉगर इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और यहाँ पे इस साइड LED टेल लैंप, साथ में एक बड़ी सी स्ट्रिप, और इस साइड SX की बैजिंग, सेंटर में हुंडई का लोगो और यहाँ पे वेन्यू की बैजिंग। सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं, और यहाँ पे मिलता है कैमरा, और इस साइड रिफ्लेक्टर, रिवर्स गियर भी इंडिकेटर इस साइड मिलता है। और इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 195 का एक बड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इसमें। और बूट को की से भी एक्सेस कर सकते हो और अंदर से भी एक्सेस करते हो। फुली रिमोट वाली दोनों की मिलती है, मास्टर की का कोई भी ऑप्शन नहीं है, और इसमें फ्लिप करके आप इससे भी की निकाल सकते हो। तो एक बार बूट को भी ओपन कर लेते हैं। जो टेयर गेट है उसमें यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दी हुई है, यहाँ पे डोर हैंडल दिया हुआ है, और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी साथ में स्ट्रिप के साथ, और बूट लैंप का भी इसमें ऑप्शन SX मॉडल में आता है। और इसके बूट स्पेस की बात करें तो 350 लीटर का इसमें बड़ा सा एक बूट स्पेस मिलता है, जो कि इस गाड़ी में डिफेंस ऑफ स्पेस है। साथ में जो टायर सेक्शन की बात करें, स्पेयर व्हील है तो वो भी आप देख सकते हो, 195x65 R15 का एक स्पेयर व्हील मिलता है। और हुक वगैरह इसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक बूट लैंप का ऑप्शन इस गाड़ी में ज़रूर मिलता है। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक, जो इसकी रियर सीट है उसको आप 60-40 स्प्लिट भी कर सकते हो, जो कि यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है। जो टेल लैंप है उस पर हल्की हल्की सी ब्लैक कलर की इंसर्ट देखने को मिलती है, जो कि इस गाड़ी का लुक को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। टेल लैंप इसकी, जो कि इस साइड से लेकर दोनों साइड में एक्टिविटी है इसकी, स्प्लिट टेल लैंप है इसकी, और फुली LED। अब बात करते हैं इसके रियर सीट के। रियर सीट डोर पे यहाँ पे हल्की सी एक ट्रायंगल में क्वार्टर विंडो भी मिलती है। और ये इसके कंप्लीट रियर सेक्शन, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, हार्ड प्लास्टिक, यहाँ स्पीकर की बैजिंग, और यहाँ पे बोतल होल्डर सिल्वर कलर में, डोर ओपनर, लॉक एंड लॉक ऑफिसर। और ये इसकी सीट की फैब्रिक, सेंटर में मिलता है इसमें आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर, और जो हेडरेस्ट है वो आप मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हो। और सेंटर में हल्का सा बंप मिलता है, और सेंटर में ही रियर रो के लिए AC वेंट, साथ में Type-C के दो पावर सॉकेट, और यहाँ पे सेंटर में कैबिन लैंप, और इस साइड ग्रैब हैंडल। और इसकी फैब्रिक और सीटिंग कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इस साइड ISOFIX दोनों सीट मिलती है। और जो ड्राइवर सीट बेल्ट है वो आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, तो एक डिसेंट सा स्पेस मिलता है इस गाड़ी में। SUV है तो बैक स्पोर्ट और थाई स्पोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, हेडरूम स्पेस भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं फ्रंट रो की। फ्रंट रो में ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, और कोप सेंसर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता।
और ये इसका ड्राइवर साइड डोर जो यहाँ पे पावर विंडोज ORVM के कंट्रोल, इस साइड डोर ओपनर सिल्वर कलर में, ट्विटर की बैजिंग, बॉटल होल्डर और स्पीकर की बैजिंग। ये इसका कंप्लीट एक डैशबोर्ड लुक। सीट आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो, डिक्लाइन डिक्लाइन भी आप मैनुअली कर सकते हो, आगे पीछे भी। फ्यूल टैंक एक्सेस यहाँ से कर सकते हो, और हेडरेस्ट जो कि ऑल फ्रंट और सेकंड रो में आप मैनुअली आप हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हो। और इस साइड स्टार्ट स्टॉप का बटन, इस साइड हेडलाइट लेवल और अट्रैक्शन कंट्रोल का बटन। यहाँ पे AC वेंट है, उसके सराउंडिंग क्रोम के साइड थोड़ी सी देखने मिलती है, बोनेट वगैरह आप यहाँ से रिलीज कर सकते हो। डेड पैड लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, इस साइड ऑडियो के कंट्रोल और इस साइड ऑडियो अप डाउन के कंट्रोल, कोई भी क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं मिलता। और स्टीयरिंग में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है, इस साइड हल्के हल्के सिल्वर की इनसाइड इस स्टीयरिंग में देखने को मिलती है, जो कि इसको और भी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक दे रहा है। और ये इसका सेंटर कंसोल, ड्राइवर साइड सनसेट टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं है, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर का ऑप्शन है। और मैनुअल डिम IORVM वगैरह कर सकते हो, जिस पर जरूरी SOS ब्लू लिंक वगैरह के बटन्स। और इस साइड कैबिन लैंप, हैलोजन कैबिन लैंप मिलते हैं। और ये सनरूफ ओपन करने के लिए कंट्रोल्स, यहाँ पे वॉइस कमांड बटन, और ये इसका कर्टन, और ये इसका सनरूफ। 8 इंच का इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि फॉक्स ब्लूटूथ एप्पल एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले जैसे स्टैंडर्ड कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। और इस साइड डिसेंट सा ग्लो बॉक्स मिलता है कूलिंग, और इसके ऊपर भी एक डिसेंट सा स्पेस मिलता है। जो डैशबोर्ड का कॉम्बिनेशन है वाइट और ब्लैक में, इसका कॉम्बिनेशन मिलता है। और सीट भी की फैब्रिक भी इस गाड़ी के अकॉर्डिंग अच्छी है। और फ्रंट और रियर इसमें डिफोगर मिलता है, फुली ऑटोमेटिक इसमें क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। और यहाँ पर इस साइड USB 12 वोल्ट का पावर सॉकेट टाइप सी, और यहाँ पे वायरलेस चार्जर का भी ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को मिलता है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें सराउंडिंग इसके सराउंडिंग भी क्रोम की इनसाइड देखने मिलती है। एक हल्का सा यूटिलिटी स्पेस, 2 कप होल्डर एंड ब्रेक और ग्लव बॉक्स, जिसमें थोड़ा सा स्पेस। अब बात करते हैं इसके, और ये इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि रिवर्स कैमरा और रिवर्स पार्किंग वे सपोर्ट करता है। इसके नीचे यहाँ पे इसके जरूरी कंट्रोल्स, नेविगेशन ऐप वगैरह, यहाँ पे हजार बटन का स्विच, स्टीयरिंग आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक इसका नहीं कर सकते। फुली डिजिटल इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इस साइड स्पीडोमीटर, इस साइड RPM मीटर, और TPS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है। और सेंटर में MID, जिसमें टाइप वगैरह रेंज वगैरह आप देख सकते हो, इस साइड टेम्परेचर और इस साइड फ्यूल मीटर भी आप फुली डिजिटल में देख सकते हो। ऊपर यहाँ पे लाइट एवरेज भी आप देख सकते हो। और कुछ इस प्रकार का इसका कैमरा मिलता है, कैमरे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इस साइड ऑटोमेटिक हेडलाइट मिलते हैं, और इस साइड वाइपर्स के कंट्रोल। SX पेट्रोल, जिसमें 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 1197 cc का 81 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज की बात करें तो लगभग 16 KMPL की माइलेज आराम से ये गाड़ी निकाल लेती है। हाईवे पे ये और भी ज़्यादा आप ड्राइविंग पे डिपेंड करता है, और भी ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हो। और ये है ये कुछ इस प्रकार का इंजन है Hyundai Venue का। फिट एंड फिनिश के मामले में Hyundai नंबर 1 है। SX पेट्रोल मैनुअल का जो एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 1,90,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, बाकी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आप SUV टाइप गाड़ी देख रहे हो, जिसमें सनरूफ, डिसेंट सा स्पेस, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा बूट स्पेस, तो Venue SX एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।